नमस्ते फ्रेंड, मीरा कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मेरी रसोई में बन रहा है हैदराबादी पनीर। तो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो एकदम अलग नए तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल देते हैं, तेल अच्छे से गर्म कर लेंगे और पनीर को फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 kg पनीर लिया है और यहाँ पे दही भी लिया है, 100 पत्ता लिया है और पुदीना पत्ता लिया है, हरा धनिया लिया है, ढेर सारा लहसुन भी लिया है और प्याज भी लिया है। तो हमने सबसे पहले पनीर को फ्राई करेंगे, पनीर को काटेंगे नहीं, इस तरीके से ही साबुत साबुत फ्राई करेंगे। तो मैंने पैन पे डाल दिया है और ये एक तरफ अच्छे से फ्राई हो गया है। हम इसे पलट देते हैं, सावधानी से अच्छे से पलट देंगे पनीर को, क्योंकि बहुत बड़ा पीस है ना, तो ये तेल भी छिटक सकता है इससे। थोड़ा थोड़ा तेल भी डाल देंगे ऊपर से, ताकि दोनों तरफ जल्दी से फ्राई हो जाए। हल्का सा हल्दी पाउडर डाल दिया है, थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर से भी डाल देंगे पनीर के ऊपर। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है हल्दी से। एक थाली में मैंने इधर टिश्यू पेपर रख दिया है, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हट जाएगा। तो पनीर फ्राई हो गया है, अभी हम इसे अच्छे से निकाल लेते हैं। जो बाकी का पनीर है उसे भी फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो सारा पनीर को मैंने फ्राई कर लिया है और निकाल भी लिया है एक प्लेट में। अभी जो प्याज अदरक लहसुन रखा है ना हमने, तो हमने काटा नहीं है, प्याज को भी नहीं काटा, लहसुन को भी नहीं काटा, इसी तरीके से छील करके साबुत साबुत लिया है। और यहाँ पे लहसुन भी डाल दिया है, प्याज भी डाल दिया था मैंने, और इसको अच्छे से भूनेंगे, साथ में अदरक भी डाल देंगे और तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि एक अच्छा सा हल्का सा कलर आ जाए। अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज को और अदरक को और लहसुन को भी। इधर पे प्याज और अदरक लहसुन फ्राई हो रहा है, तब तक हम फ्राई किया हुआ पनीर को काट लेते हैं। इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में काट के रखा है मैंने, और यहाँ पे मसाला भी भून गया था, अभी हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, अच्छे से ठंडा भी हो गया है। एक मिक्सी का जाल लिया है हमने और इसमें आधा आधा डाल करके इसे अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे, प्याज लहसुन और अदरक का। तो जो बाकी का था अभी उसे भी डाल लेते हैं, प्याज अदरक लहसुन को, उसे भी अच्छे से पीस लेंगे। और साथ में हरी मिर्च, हरा धनिया और 100 पत्ता, पुदीना पत्ता, सब चीज़ को डाल करके इसका भी अच्छे से एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। एक साथ में ही मैं पीस रही हूँ, आप चाहे तो अलग अलग भी पीस सकते हैं। सारा चीज़ को अच्छे से पीस लिया है, अभी एक कटोरे में निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से फाइन पेस्ट बन गया है। अभी हमने यहाँ पे कुछ खड़ा मसाला लिया है और तेल भी अच्छे से गरम हुआ है, तो कुछ खड़े मसाले हैं और दालचीनी है, जीरा है, लौंग है, काली मिर्च है, इलायची है और सूखी लाल मिर्च है। तो सारे तड़के को अच्छे से चटका लेंगे। और जो हमने मसाले का पेस्ट बना के रखा था वो सारा डाल देंगे और अच्छे से इसे भूनेंगे। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च का यूज़ किया है, आप चाहे तो सूखी वाली लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी इसे ढक देंगे और इसे 5-6 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अभी 2-3 मिनट हुआ था, तो मैं अभी इसमें जो दही लिया था, 4 चम्मच के करीब दही लिया था मैंने, इसमें मिला दिया है और मसाले को अच्छे से भून लिया है। तो अभी इसमें मैंने कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो काली मिर्च का पाउडर और नमक और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने कलर के लिए, और जीरा पाउडर भी डाला है और धनिया पाउडर भी डाला है। तो सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे और मसाले
से भूनेंगे ताकि इसमें अच्छा सा और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाए। मसाले को अच्छे से भूनते हैं, तो मसाले में थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। मसाला ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। और जो कटा हुआ पनीर रखा था हमने, उसे भी डाल देंगे और मसाले के साथ में थोड़ा सा पनीर को भी भून लेंगे। सारे पनीर को डाल देंगे। फ्रेंड एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। मेरी रसोई में तो पहली बार बन रहा है, और आपने कितनी बार बनाया है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो मैंने सारे पनीर को डाल दिया है और हल्के हाथ से अच्छे से मसाले के साथ में मिक्स कर लेंगे और ऐसे अच्छे से भून लेंगे ताकि पनीर टूटे भी नहीं और अच्छे से भून भी जाए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो मैंने पनीर को और मसाले के साथ में बहुत अच्छे से भून लिया है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला देंगे। चमचा से मैंने नहीं चलाया है ताकि पनीर टूट जाएगा, इसलिए मैंने कढ़ाई को ऊपर से अच्छे से हिला दिया है इस तरीके से। और जो मैंने फ्रेश क्रीम लिया था ना, उसे भी मैंने ऐड कर दिया है। और इस तरीके से मैं कढ़ाई को उठा करके इस तरीके से सब्ज़ी को हिला दे रही हूँ। और जो धनिया पत्ता लास्ट में बचा के रखा था ना, उसे भी मैंने ऐड कर दिया है। और एक ढक्कन डाल दिया है गुलाब जल, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फ्रेंड वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर।